नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आए दोस्तों, इससे के शायद आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 अप्रैल 2021 के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों, से की शुरुआत बात करते हैं यश में ग्रहों की तिथि कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की तिथि कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं। दोस्तों, इन दिन शुक्रवार का दिन रहेगा, शुक्र पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी और मघा नाम का दिन नक्षत्र रहेगा। योग की बात करें तो दोस्तों, इन दिन वृद्धि नामक शुभ योग दोपहर के 2:39 रहेगा, उसके उपरांत ध्रुव नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, राहु काल के समय की बात करें तो यह समय रहेगा सुबह के 10:49 से लेकर दोपहर के 12:25 तक। ध्यान रहे, राहु काल के समय में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य को ना करें और चंद्रमा दिन सिंह राशि पर संचार करेंगे। दोस्तों, सफलता एक घटिया शिक्षक है जो लोगों में ऐसी सोच विकसित कर देता है कि वो असफल नहीं हो सकते। जो चलते हैं मंजिल की ओर, वो शिकवे नहीं किया करते। जो करते हैं शिकवे के लिए, वो मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। दोस्तों, किसी मुकाम को हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं, उस मुकाम पर ठहरना बड़ी बात होती है। कामयाबी हासिल करना बड़ी बात नहीं, उसे बरकरार रखना बड़ी बात होती है। चुनौतियों के दौर में सब बुलंदियों को छूने में लगे हैं। बुलंदियों को छूना बड़ी बात नहीं, बुलंदियों पर टिकना बड़ी बात होती है। दोस्तों, विजेता बोलते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, हारने वाले बोलते हैं कि कुछ होना चाहिए। दोस्तों, यही जगत की रीत है, यही जगत की नीत। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। वो कामयाबी ही क्या जो अपने को भुला दे, और वो नाकामी ही क्या जो सारी उम्र के लिए रुला दे। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, यश में ग्रह स्थिति अनुकूल है, आप अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से प्रारूप देने में सक्षम रहेंगे। किसी नजदीकी व्यक्ति से मुलाकात होगी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी यशमय विचार विमर्श होने वाले हैं। दोस्तों, धार्मिक संस्था में भी सेवा संबंधी कार्यों में उचित आपका समय व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यह समय किसी भी सरकारी कार्य को लापरवाही की वजह से अधूरा ना छोड़े, क्योंकि दोस्तों किसी तरह की जो है पेनल्टी लग सकती है। पैतृक संबंधी मामले अभी और अधिक उलझने की आशंका लग रही है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में बताते हैं कि आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों, घर या फिर कोई बड़ी वस्तु खरीदने के लिए ये जो समय आपके लिए खर्चा हो सकता है। यदि आप पर खर्चों का भार बढ़ रहा है तो दोस्तों, घर के किसी व्यक्ति द्वारा आपको मदद भी यश में मिलेगा। दोस्तों, अपनी भावनाओं को योग्य तरीके से प्रकट करने की वजह से यश में आपको प्रिय व्यक्ति के साथ आपके संबंध भी बहुत मजबूत रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय आपके लिए समय होंगे दोस्तों, यह समय भाग्य और परिस्थितियाँ आपके लिए बेहतरीन समय का निर्माण भी कर रहे हैं। दोस्तों, सामाजिक तथा व्यवसाय के दोनों जगह पर आपका इसमें दबदबा और वर्चस्व बना रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी परिस्थिति में आप अपना जो है काम निकलवाने में इसमें सक्षम रहेंगे। इसको उपरांत दोस्तों, प्रॉपर्टी संबंधी खरीद फरोख्त के कार्यों में भी बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत होगी, क्योंकि दोस्तों अभी इन कार्यों के लिए जो समय है, जो परिस्थिति है, अनुकूल नहीं है। दोस्तों, अनावश्यक खर्चे भी आपके सामने इसमें आ सकते हैं। अगर विदेश संबंधी कोई योजना बन रही है तो दोस्तों, इन्हें अभी स्थगित रखना आपके लिए उचित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपके कठिन समय में आपके मित्र और परिवार दोनों से सहायता मिलने वाली है। दोस्तों, आपके लिए मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करना अधिक आवश्यक होंगे। जिन बातों में आपको यश नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, उन बातों के बारे में किसी के साथ जो है अधिक चर्चा ना करें, क्योंकि दोस्तों लोगों के साथ चर्चा करके केवल आपके नकारात्मकता ही बढ़ेगी और आपको लोग सिर्फ चिढ़ाएंगे, लोग आपके यश में साथ नहीं देंगे। तो दोस्तों, यश में उनसे इन बातों का शेयर करने से बचें। इसके बाद दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दिन कुछ मिला जुला प्रभाव भी आपके लिए ला रहा है।
किसी संपर्क द्वारा महत्वपूर्ण समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है, जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। दोस्तों, यश में आपकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी हद तक बेहतर रहने वाली है। शादी दोस्तों दोपहर बाद जो परिस्थितियाँ होंगी आपके लिए कुछ प्रतिकूल वातावरण भी बना सकती है, जिन कारण से कोई मुसीबत जो है आपके सामने खड़ी हो सकती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि काम के दबाव के चलते आप खुद को फंसा हुआ भी यश में महसूस करेंगे। विद्यार्थी वर्ग को अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो है अधिक यश में मेहनत करने की भी जरूरत होगी। तो दोस्तों, आप जरूर यश में अपने ध्यान को पढ़ाई के प्रति फोकस करें, ये आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे और भविष्य में आपके उज्ज्वल सपनों को आप साकार कर सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दिन की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा चिंता और तनाव का प्रभाव बनाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको लग रहा है कि हम भविष्य में कौन से कार्य को करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको यश में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है और अपने कार्यों के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित रखें, आपको भविष्य में अच्छा सफलता भी यश में प्राप्त होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों, यश समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि अचानक ही किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भी आपकी होगी तथा उनके मार्गदर्शन से कई मुश्किलों का भी निवारण होगा। दोस्तों, रुचिपूर्ण तथा ज्ञानवर्धक साहित्य को पढ़ने में भी समय आपका व्यतीत होगा। पुराने मित्रों के साथ भी मेलजोल खुशनुमा यादों को ताज़ा करने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों, यश समय किसी निकट संबंधी के साथ जो उसका स्वास्थ्य, उनके स्वास्थ्य को लेकर उदास आपका मन थोड़ा सा रह सकता है। दिखावे के चक्कर में दोस्तों कर्ज लेने से बचें, क्योंकि दोस्तों अगर आप उनको दिखावे के चक्कर में कोई रुपया पैसा देते हैं तो दोस्तों आपको अपनी बजट का भी यश में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ेगा तो भविष्य को लेकर आपकी जो स्थितियां हैं गड़बड़ होंगी और आपकी आर्थिक स्थिति और भी तंगी की ओर जाएंगी। तो दोस्तों, इनसे बचें और दिखावे की प्रवृत्ति से यश में दूर रहें। इसके उपरांत दोस्तों, आपको बता दें कि बच्चों की पढ़ाई के प्रति लापरवाही रहेंगी और इसलिए दोस्तों उन पर ध्यान देना आपका आवश्यक होगा, तो उन पर भी यश में ध्यान जरूर दें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों किसी मित्र द्वारा आपको मार्गदर्शन यश में मिल सकता है, जिसकी वजह से आपसे जुड़ी बातों को देखने का नया नजरिया भी आपको प्राप्त होगा। अध्यात्म में आप जो है आपकी खास यश में रुचि रहने वाली है। दोस्तों, आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने के लिए जो समय होंगे, आपके जो प्रयत्न होंगे यश में सफलता प्राप्त करेगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके लिए करियर से जुड़े समस्याएं काफ़ी हद तक यश में खत्म हो सकती है। आप अपनी व्यवहार कुशलता से नकारात्मक परिस्थितियाँ पर भी यश में काबू पा लेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यश में नौकरी पेशा टारगेट पूरा न होने की वजह से बॉस व पेर अधिकारियों की जो है डांट फरकार सुननी भी पड़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में कुछ खास लोगों के साथ फायदेमंद मीटिंग भी हो सकती है, जिससे आपको बड़े ऑर्डर भी यश में प्राप्त होंगे। परंतु दोस्तों, काम को समय पर पूरा करना आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है, इसलिए दोस्तों यश में काम पर अपना ध्यान को केंद्रित रखें। सरकारी सेवारत व्यक्तियों पर भी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यश में आ सकती है, लेकिन दोस्तों इन जिम्मेदारियों को आप यश में निभा भी पाएंगे और अच्छी सफलता को भी यश में आप अर्जित कर पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपको बता दें आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आयात निर्यात संबंधी कार्यों में किसी तरह का नुकसान होने की भी आशंका बन रही है, यश में उचित सावधानी बरतना आपके लिए आवश्यक होंगे। इसे दोस्तों अपने किसी भी कार्य में जो है घर के अनुभवी या फिर वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह अवश्य लें, उनकी सलाह आपके लिए यश में फायदेमंद साबित होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यवसाय में आपके द्वारा किए गए नए प्रयोग जो है फायदेमंद साबित होंगे। आपको जो है अपने काम के प्रति मेहनत के बेहतरीन रिजल्ट भी यश में मिलने वाले हैं। नौकरी पेशा जो भी लोग हैं अपने जो है ऑफिशियल दस्तावेजों को बहुत अधिक संभाल कर रखें, ये आपके भविष्य के लिए और आपके करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों जीवन साथी का सहयोग आपके लिए बहुत ही सुकूनदायक रहेगा तथा आपसी संबंधों में भी यश में मधुरता रहेगी। दोस्तों, यश में आपको बता दें कि व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें, ये आपके लिए और आपके लव लाइफ के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता तो बनी रहेगी, परंतु किसी मित्र की वजह से घर में कुछ नकारात्मक वातावरण भी बन सकता है, तो दोस्तों इन बात का भी आप ध्यान में रखें। इसके उपरांत दोस्तों, ये जो समय होंगे आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए, आपको बता दें कि घर में उचित समय ना दे पाना, इनकी वजह से जीवनसाथी की नाराजगी भी आपको सहन करनी पड़ सकती है। संबंधों को ठीक करने के लिए उन्हें कुछ जो है उपहार दें तथा मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी आप अवश्य बनाएं। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे,
दोस्तों आपको बता दें कि यशमय बच्चों की किसी समस्या को लेकर चिंता रह सकती है। बेहतर होगा कि आपसे सूझबूझ से समस्या का हल निकालें। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय अत्यधिक काम की वजह से सर्वाइकल या फिर गर्दन में दर्द जैसी समस्या रहेगी। व्यायाम में कुछ समय व्यतीत करें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यशमय बता दें आपके स्वास्थ्य के लिए जिसमें होंगे यशमय ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज संबंधी जो भी लोग हैं वो अपनी जांच जरूर करवाएं। योगा और व्यायाम में भी अपने दिनचर्या को शामिल करें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि शाम तक स्वास्थ्य उत्तम होगा, परंतु अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके लिए आवश्यक होंगे, तो दोस्तों जरूर उन पर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपको बता दें कि अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके लिए बेहतर होंगे, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें, ये सभी कार्य आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपका भाग्यशाली रंग रहेगा पिंक और भाग्यशाली अंक रहेगा 8।